रेजिस्टेंस ऑफ मेटालिक वायर है ना, वो क्या करते हैं, वो टेम्परेचर के साथ बढ़ते हैं। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना रेजिस्टेंस बढ़ते जाएगा बिकॉज ऑफ द कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स। अभी यदि ऐसा है तो यदि हम टेम्परेचर कम कर देंगे तो क्या होगा, तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो टेम्परेचर कम करते जाइए कम करते जाइए तो रेजिस्टेंस कम होते जाएगा, रेजिस्टेंस कम होते जाएगा तो कंडक्टिविटी बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा तो हमको मालूम है 0 केल्विन जो है लोएस्ट टेम्परेचर इट कैन बी अटेंड है ना। तो मान लीजिए 4.2 केल्विन में आप पहुंच गए, तो उसके बाद देखिए मर्करी जो है, मर्करी एकदम ऐसा बिहेव करने लगेगा जैसे उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने टेम्परेचर को कम किया तो इसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो वो कंडक्टिविटी वेरी हाई हो जाएगा। तो इसलिए जो मर्करी बिलो 4.2 केल्विन, सो इट बिहेव्स एज अ सुपर कंडक्टर। सो द कंडक्टर हुज कंडक्टिविटी इज़ वेरी हाई, दैट इज द सुपर कंडक्टर। तो एग्जाम्पल है मर्करी एट 4.2 और बिलो 4.2 केल्विन। तो क्योंकि टेम्परेचर कम होने से रेजिस्टेंस कम हो जाता है तो दे बिहेव एज अ वेरी बिहेव एज वेरी गुड कंडक्टर्स। तो उसका रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाएगा ऑलमोस्ट। तो इसका एडवांटेज क्या है कि रेजिस्टेंस ज़ीरो है तो उसमें करंट पास करेंगे तो हीट प्रोडक्शन नहीं होगा। तो कोई भी हम मशीन्स जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें हीट प्रोडक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं, और जो पावर लाइन्स है उसमें भी हीट लॉस होता है तो वो भी हम रिड्यूस कर सकते हैं, थिन वायर से हम पास कर सकेंगे। बट द डिफ़िकल्टी इज़ टू मेंटेन दिस वेरी लो टेम्परेचर। सो इसी में दूसरा फिर दूसरी तरफ से कॉस्ट लग जाएगा। तो इसलिए ये प्रैक्टिकली फिजिबल अभी नहीं है, तो लेकिन ऐसा हो सकता है। तो आप डेफिनेशन और एग्जाम्पल, एग्जाम्पल जब आप लिखेंगे तो टेम्परेचर के साथ लिखना है, सिर्फ मर्करी लिखने से आंसर नहीं होगा।